इस वक्त कौन आया? आ गए? जी मैडम। आओ। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं कपड़े लेके आती हूँ। अच्छा मैडम। कपड़े प्रेस करके कब दोगे? कल दूंगा मैडम। पर सुबह जल्दी भेज देना, साहब को ना ऑफिस जाना पड़ता है। ठीक है मैडम, जा। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा। मैडम जी कपड़े। आ जा। ये कौन है और ये यहाँ क्यों आया है? बाजू में ही रहता है, प्रेस करता है, बड़ा ही सिंपल लड़का है। तो मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख कर कुछ बने, इसीलिए मैं इसे पढ़ाना चाहती हूँ। बड़ा अच्छा सोचा है तुमने, पर क्या ये पढ़ने लिखने को तैयार है? इसे तैयार करना मेरा काम है। पढ़ लिख कर कल को बड़ा आदमी बनेगा तो कम से कम हमें याद तो करेगा। श्याम, तू पढ़ना चाहता है ना? जी पढ़ना तो चाहता हूँ मैडम, लेकिन मेरे घर के हालात इसकी इजाजत नहीं देते। ओ, इसीलिए तू इस उम्र में प्रेस की दुकान चला रहा है? हाँ मजबूरी है, माँ बीमार रहती है, पिताजी गुजर गए हैं, बस ये दुकान ही तो है जिससे माँ की दवा और हमारा पेट पल रहा है। पढ़ेगा तू? सच कह रही है मैडम, आप पढ़ाएंगी मुझे? क्यों नहीं, मैं पढ़ाऊंगी ना तुझे। फिर तो मैं जरूर पढ़ूंगा मैडम। हाँ जरूर पढ़ो, वैसे भी ये उम्र तुम्हारी पढ़ने लिखने की है। मैं तुम्हारा एडमिशन प्राइवेट क्लासेस में करवा दूंगी, मंडे से जाना शुरू कर देना। ओके जी मैडम, थैंक यू। ठीक है जा। अच्छा सर मैं चलता हूँ। ठीक है। मैरी मुझे निकलना है तो मैं तैयार हो गया था। ओके। ठीक है। हेलो सर, शर्मा जी फाइल लेकर आए हैं। चेक दिया शर्मा जी ने? नहीं सर, एक हफ्ते का वक्त मांगा है। एक हफ्ते में अगर वो चेक दे दें तो उनकी डील पक्की है। जी सर। नहीं तो डील कैंसिल करने में जरा सी भी देर नहीं करनी है। ओके सर। मेहता जी आए क्या? हाँ सर। कब आए? यही कुछ 10 बजे। उन्हें 2 लाख का चेक दे देना। ठीक है, दे दूंगा सर। चेक तैयार है। ओके सर।
आती हूँ बाबा। अरे श्याम आओ। जी मैडम। जी मैडम। श्याम मैंने तुम्हारा नाम प्राइवेट क्लासेस में लिखवा दिया। अरे मैम ये तो आपने बहुत अच्छा किया। शाम से ही जाना है। लेकिन मैम शाम तो हो गई। तो जाओ श्याम। अच्छा मैडम। आज तुम्हारे क्लास का पहला दिन है। हाँ मैडम वो तो है। हो सकता है नए स्टूडेंट समझ के लड़के तुम्हारा खिस्तान करें, परेशान करें तुम्हें। हाँ मैडम ऐसा हो सकता है। पर ऐसे में तुम घबराना मत और ना ही परेशान होना। ठीक है मैडम। क्लास खत्म होने के बाद सीधे घर आना। जी मैडम मैं क्लास से सीधा घर पर ही आऊँगा। कहीं और जाने की और किसी से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मैडम। ये लो अपनी बुक्स, आज से क्लास की शुरुआत करो। थैंक यू मैडम। ऑल द बेस्ट। अच्छा सुनो जाते वक्त जरा भाजी वाले को ऊपर भेज देना। जी मैडम। बाय। बाय मैडम। नमस्कार। नमस्कार। बोर लागत है। आइए। आए गए। आराम से। हाँ लगाई थोड़ा हाथ। हाँ, लगाई मैडम। लाइए। मैडम दरवाजा बंद कर दे। हाँ, बंद कर दीजिए। अच्छा मैडम ये कपड़ा आपको बहुत सूट करता है। अच्छा। हाँ उस दिन साड़ी हमारे यहाँ ऐसा साड़ी ना ही पहना था। तो तुम्हारे यहाँ कैसन साड़ी पहनल जाते हैं? एकदम पूरा ढाका हिया तक, कौनो सामान वामान कुछ नहीं, सब हिया बस। अब उका मैडम आपका उम्र तो इतना लगता नहीं है। वो लड़कवा कौन रहा जो अभी आए रहे? अरे वो मेरा स्टूडेंट है। अच्छा का स्टूडेंट? हमारा स्टूडेंट, हमारा शिष्य है। अत इतना चिल्ला के कहे बोल रही हो, हम तो बहुत प्यार से सुनते हैं। हम नहीं चिल्ला रहे हैं, तुम बस सुनाई कम देते हैं। अरे नहीं नहीं ऐसन बात नहीं, हम चिल्ला के गोरखपुर से बोल देते बम्बई तक आवाज आ जाए, इतना दम है हमारा में। चलो चलो दूधी कैसे दिए? दूधी? हाँ 20 रुपए किलो है। तोलो आधा किलो तोल दो, ये ले ले। हाँ ले ताजी है ना? हाँ ताजी है। करारी। अरे देखा कैसे ठोक बजाए के दे। अच्छा देखा इमोलिया मोलिया लेबो? ये तो ले लिए। इमोलिया लेबो? गाजर, गाजर बताओ। मोटका वाला गाजर, गाजर दे दे, गाजर ला। हाँ गाजर तो ठीक लग रहे हैं। लाई तौल दी। आधा किलो, आधा किलो दे दो। उ अभी तौले नहीं है, ओका तौल के देब ना। हाँ तौल दो तौल दो तौल दो। हमार देखा यह यूपी वाला के दिमाग, दिमाग है। बहुत हाँ। दिमाग है तुम्हारा। बहुत ईमानदारी है, ईमानदारी से बेचत है सब। हाँ इली इला देखा मेरा थोड़ा ज्यादा इला। और का कहत रहे? वो तो ईमानदार भाजी वाले। अरे हमारा जैसा कहीं ना मिली। अच्छा मैडम तुहार भाषवा से लगा था कि तू हमारे तरफ के हो। हाँ हमारा मैका है। कहाँ? कौड़ीमल। कौड़ीमल? अच्छा अच्छा। अरे तो अकरा बगल में है ना घोड़ीमल, वह हमारा जगह है। अच्छा घोड़ीमल के हो तुम? हाँ। अरे वाह। गोरखपुर में तो खाली सब्जी का धंधा करते हैं। अच्छा। हाँ। हमका लगा तुम्हारा पूरा खानदान यही बिजनेस में है। नहीं नहीं खानदान नहीं, खाली हम शौकिया है। हमारा लौंडा तो इंजीनियर है। हाँ इंजीनियर है। एक बात कहे? हाँ? एक बात कहे? हाँ कहा। तुम्हारी एक्टिंग ना हाँ? बहुत बढ़िया। हम एक एक बात कहे? का यहाँ आए थे हीरो बनने के लिए हाँ? अब सब्जी बेच रहे हैं, उम्र हो गया ना। मतलब जिंदगी तुम्हारी झंड बा। हाँ झंड। लाओ हमार बैगन। अब का करे मैडम, जीने के लिए बैगन भरता बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। और तुम्हारा धंधा चला पड़ा? हाँ चला पड़ा नहीं, दौड़ा लेते हम। हाँ हमरे बैगन ले जा रहे हो का? ना वो तौले कर है, वो हमार है ना। हमार बैगन। अरे अच्छा रख ले मैडम। उठाई मैडम, बहुत भारी है भाई। बढ़िया। हाँ। अगली बार ना काला वाला बैगन लाएंगे, वही ठीक लगत खाने में। चलिए अच्छा गोड़ लगा थे मैडम है। पैर का छू? अरे वह प्यार होता है मैडम। अच्छा पागल है क्या? पूरा का पूरा।